नमस्कार, नमो नारायण, जय श्री महाकाल। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो अपर्णा साधना के ऊपर है। अप्सराओं की सीरीज में बढ़ते हुए उन्हीं में से एक साधना है अपर्णा अप्सरा साधना। अपर्णा, हम किसी को जब कोई चीज अर्पण कर देते हैं, नेछावर कर देते हैं, तो उसको हम अर्पण बोलते हैं। सो जैसा कि नाम है उसी प्रकार से ये साधना सिद्धि देती है, यानी आपको प्रसन्न होने में अपना तन मन और धन सब कुछ दे देती है। सो ऐसे बहुत से लोग हैं जो अप्सराओं की सिद्धि सिर्फ इसलिए करते हैं कि उन्हें अप्सरा से तन चाहिए, तो वो लोग भी इस साधना को कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनको तन चाहिए उन्हें तन मिल जाएगा, जिनको मन चाहिए उन्हें मन मिल जाएगा, जिनको सिद्धि चाहिए उन्हें सिद्धि मिल जाएगी, जिन्हें धन चाहिए उन्हें धन मिल जाएगा। सो इस साधना को शुरू करने से पहले एक स्फटिक की माला जो होती है वो अपने पास रख लीजिएगा, और 31 यानी 31 माला का इसमें विधान है, और 21 दिन तक ये माला यानी ये जो आपका क्रम है यानी ये साधना जो है चलेगी। किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से साधना स्टार्ट कर लीजिए और 21 दिन तक इसे कंटिन्यू करिए। आमतौर पर ये देखा गया है कि 21 दिन से पहले ही आपको एक्सपीरियंस होने लगते हैं। वो एक्सपीरियंस आप किसी को भी बताए मत, वो एक्सपीरियंस को गुप्त रखें, क्योंकि ये जो अपर्णा अप्सरा है, अगर आपका मन सही है, आपने जैसे मेरे बताए अनुसार किया, या आपने पहले के जो मेरे वीडियो देखे हैं, जो मैंने इंस्ट्रक्शन दिए हैं, वो सब फॉलो अगर आप करते हैं, तो 100% आपको एक्सपीरियंस रिजल्ट होते हैं। और ये अपने साधक से बात करना स्टार्ट कर देती है उसके कान में, यानी जैसे कर्ण पिशाचनी जैसे साधना होती, उसी तरीके से कान में वार्तालाप करती, आपके सपने में बातचीत करती। सो इस साधना के लिए आपका जो समय होगा वो होगा रात्रि का 10 बजे, 10 बजे के बाद का भी समय ले सकते हैं। दिन होगा फ्राइडे, स्फटिक की होगी माला, जो आपका दिशा होगी या जो फेसिंग होगी वो होगी आपकी नॉर्थ यानी उत्तर की, और जो आपका आसन और आपके कपड़े होंगे वो होंगे रेड यानी लाल। ठीक है, इस साधना को शुरू करने से पहले अपने आसपास एक घेरा बनाइए। घेरा के लिए आप मेरा क्रोध भैरव का वीडियो देख सकते हैं, और मैंने अपने सारे अप्सराओं के पहले के वीडियो में समझाया है कि कैसे करते हैं। उसके बाद आप अपने कुल देवता की एक माला करिए, एक अपने पितृदेव की माला करिए, एक स्थान देवता की माला करिए, एक अपने गुरुदेव की माला करिए, और एक अपने इष्ट देव की माला करिए, और गणेश जी से अनुमति लेके आप इस साधना का 31 माला जाप करिए 21 फ्राइडे यानी 21 शुक्रवार तक। अप्सरा को आप इत्र भेंट करिए, उसे मावा दीजिए, मावे का भोग लगाइए, और अपने हाथ में कलावा बांध लीजिए, उसे थोड़ी सी रोली लगा लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, और अपने पास 2 गुलाब की माला रखिए अपने सामने। जिस दिन अप्सरा आपके सामने आती है प्रत्यक्ष होके या सपने में या किसी और रूप में, तो एक माला उसको पहनाइए और एक माला अप्सरा आपको खुद भी पहना देंगे। सो इस तरीके से आप अपर्णा अप्सरा को प्रसन्न कर सकते हैं, और प्रसन्न होने पर ये साधक के साथ रहती है, और ज्यादातर इस साधना का उद्देश्य पत्नी रूप में ही पाना होता है, क्योंकि ये जो अपर्णा होती है वो पत्नी रूप में ही केवल आती है। तन मन धन जो आपका कोई देगा वो पत्नी ही आपके दे सकते हैं। सो पत्नी रूप में ये आपके सामने आती है, एक माला आपको पहनाती है, और एक माला उसके पहनने के बाद आपका विवाह बंधन हो जाता है। सो ये है आज का मेरा वीडियो, और जाते जाते एक सज्जन ने मुझसे क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन तो नहीं कह सकते हैं, रिक्वेस्ट की है, और उस रिक्वेस्ट पे मैं बहुत जल्दी वीडियो बनाऊंगा। तो ये रिक्वेस्ट है कि माला प्राण प्रतिष्ठा और मूर्ति जो स्थापित करते हैं उसकी प्राण प्रतिष्ठा पे आप वीडियो बनाइए, बहुत जल्दी इस टॉपिक पे वीडियो आएगा, जैसे हमारी बहुत सारी वीडियो जो है लाइनअप है, और
लाइन अप होने के बाद जैसे ही उसका समय आएगा तो 100% मैं उस चीज पे वीडियो बनाऊंगा, इसमें कोई वो नहीं है। आप बिल्कुल इस क्वेश्चन को जो आपने पूछा है और आपका जो आग्रह किया है उसको मैंने ले लिया है, 100% इस पे वीडियो आएगी। सो मेरे सभी दर्शक, मेरे बताए हुए पहले की जो सावधानियां मैंने बताई हैं, जो मैंने नियम कानून बताए हैं, वो सब चीजें, और अपने गुरु से आदेश लेकर इन साधनाओं को करिए। आपको कुछ नहीं अगर मिलेगा तो जिंदगी में आपके पास गरीबी तो नहीं रहेगी, आपके काम सारे बनेंगे। बस मैं चाहता हूं कि साधना का मतलब ये होना चाहिए कि आपके काम बनने चाहिए। सो अभी के लिए बस इतना, और अभी मैं आपसे इजाजत लेना चाहूंगा। प्रभु हरि कृष्ण नारायण आपका पालन करें, देव के देव महादेव आपको सिद्धियां प्रदान करें, मां बगला मुखी आपके शत्रुओं का स्तंभन करें। इसी के साथ नमस्कार, नमो नारायण, जय श्री महाकाल, जय मां बगला मुखी राधे।